देखिए, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना डिफरेंस होगा दोनों टीम्स में, मगर भारत खेल ही इस लेवल पर रहा है कि बाकी सारी टीम्स जो हैं वो कम से कम जितना ये मार्जिन ऑफ डिफीट है ना उतने ही मील दूर हैं भारत से. सो एक शॉकिंग डिफीट है ये साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि दो तीन चीजें सामने आती हैं. एक तो ये कि बैटिंग सेकेंड जो है ये ठीक नहीं है करते हैं, चेस ठीक नहीं करते हैं, और शायद जो अभी तक परफॉर्मेंस है वो क्योंकि सर्टन कंडीशंस पे ये चलते हैं, ऑल कंडीशंस की ये टीम नहीं है. आज मुश्किल पिच थी और भारत को दाद देनी पड़ेगी. कई लोग कहते हैं कि जी वो जो पिचेस बनाई गई हैं वो भारत को फेवर करने के लिए बनाई गई, तो दूसरी टीम्स भी तो उतनी है ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए. तो आज ये मतलब है 200 में ऑल आउट होने वाली पिच थी है और 325 करवा दिया, तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा विराट कोहली एंड कंपनी को जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की एक मुख्तलिफ पिच पे. सो ये अब जो आपका सेमीफाइनल और फाइनल में जो आपके एक तरह से नॉकआउट मैच में, तभी टेम्परमेंट भारत का अब चेक हो सकता है. अभी तक तो फ्लॉलेस क्रिकेट खेली है, वो डू और डाई सिचुएशन के नाउ और नेवर में शायद ये कुछ गलती करें तो करें, उसमें भी गलती करके भी ये संभल जाएंगे क्योंकि इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं इनके पास बैटिंग बॉलिंग में. सो और विराट कोहली के ऊपर तो सारी नजरें जमी. देखिए क्रिकेट में माइलस्टोन जो है ना वो एशियन ब्लॉक फैंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. मैं अभी बात एक हमारी हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में, एक ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर मुझे कह रहा था, एक्स कैप्टन भी है वो, कि जो सबसे अच्छा टाइम है ना एशियन टीम्स को या उनके प्लेयर्स को बॉलिंग करने का वो तब है जब ये माइलस्टोन्स के करीब पहुंचते हैं, चाहे 50 कर रहे हो या 100 कर रहे हो, क्योंकि वहां पे ये वक्त लेते हैं. सो ये गेम है, ये टीम स्पोर्ट तो है ही है, मगर ये इंडिविजुअल स्पोर्ट भी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि आप स्कोर करते हैं तो टीम ऊपर जाती है, आप विकेट लेते हैं तो टीम आउट करती है. सो थोड़ा बहुत तो उसमें आपको पूरा ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं जो टीम का जो नजबुलैन है या टीम का जो टारगेट है, मगर फिर भी आई थिंक विराट कोहली जैसे लोग जब ये 4900 करते हैं और 175 कम इनिंग्स खेले हैं सचिन से, तो ये क्रिकेट की जो हेडलाइंस है ना ये बड़ी सही लगती हैं. और सब कॉन्टिनेंट ये बड़ी देर तक ये इसकी बात होती रहेगी. यू नो T20 में 50 की एवरेज है, ODI में 50 की एवरेज है, टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है. सो उस लिहाज से बहुत बड़े प्लेयर. ये एक हमारे जो है ना DNA में एक चीज घुसा दी गई है कि 50 करो अगला मैच पक्का है, 100 करो तो नाम होगा, नॉट आउट के लिए खेलना है. हमने जो क्रिकेट की बॉर्डर लाइन चीजें है ना वो हमारे DNA में रस बस गई हैं. जबकि वहां पे जो जब आप किसी बच्चे को क्रिकेट सिखा रहे होते हैं उसको सबसे पहले एंजॉयमेंट होती है, उसके बाद टीम जीतनी है, उसके बाद यू नो क्रिटिकल इनिंग्स खेलनी है, उसके बाद यू नो के सारे मिल के एंजॉय करते हैं एक दूसरे की सक्सेस में. तो हमारे यहाँ जो है ना ये यहाँ पे तरबियत और तरह की है. तो वो जिस चीज को 25% वेटेज मिलनी चाहिए उसको 100% हम वेटेज दे जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये आपको इस तरह के क्रिटिसिज्म भी होते हैं और इस तरह की चीजें सामने आती हैं जो कि टीम के लिए नुकसान. तो ये चीजें हैं जो कि जब आपको गलत प्रूफ करना पड़ेगा बार बार सबको, तभी ये चीज ठीक होगी. एंड आई जस्ट होप कि करें ये, क्योंकि इनकी टीम अच्छी खासी है, बाकी टीम से तो बहुत बेहतर टीम है. हर कोई टफ टाइम देता है, बॉल जिसके हाथ में आती है वो प्रूव करना चाहता है कि मेरे से अच्छा कोई बॉलर नहीं है, और जो बैट्समैन जाता है उसका एक तौर तरीका है. हमारी तरह नहीं है कि दो अच्छे खेलते हैं और चार जो है वो अपने ही एक बैटिंग की बुक निकाल लेते हैं जी. और 150 पे दो आउट होते हैं और 190 पे ऑल आउट हो जाते हैं हम पाकिस्तान भारत के खिलाफ. सो ये अकलमंदी के साथ गेम अवेयरनेस है, इनको पता है, अपनी क्लैरिटी है, रूल्स डिफाइंड है. तो ये मुझे नहीं लगता कि भारत चौक करे. इनकी दोनों स्पिन्स पकड़ी शमसी की, कट भी मारा गुगली के ऊपर और विद द स्पिन खेले, और थ्रू आउट सारे ऐसा खेलते हैं. तो ये ट्रेंड है, इनको बचपन में सिखाया जाता है कि हाथ से आपने स्पिन को रीड करना है और कदमों का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप क्रीज में खड़े होके कम खेलें स्पिनर, नहीं तो छा जाएगा, हावी हो जाएगा. तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, देखने वाली हैं. और ये फिर से बात आती है ना कि प्रोसेस सिस्टम, आपकी जो जूनियर क्रिकेट है उसमें कितना काम और होने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप चले T20 में तो वैसे ही डिफेंसिव हुए होते हैं, उसमें तो आप हिट मार के आउट हो जाएं कोई आपको क्वेश्चन नहीं करता, वह 50 ओवर्स में अगर आप एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि आपके पास टाइम होता है और बॉलर्स के पास भी टाइम होता है. तो इस तरह की जो, और फिर इसीलिए वर्ल्ड क्लास की टीम है भारत, किसी वजह से यहाँ पे पहुंची हुई है ना. और ये जो सुपर स्टारडम मिला हुआ है ये सिर्फ एड्स में काम करने से नहीं मिला है,
ये क्रिकेट पहले सामने आई है, उसके बाद फिर सारा पैसा फॉलो हुआ है ना, उसके बाद स्टारडम फॉलो हुआ है, और फिर इन्होंने ये प्रोडक्ट को गिरने नहीं दिया यहाँ पे भारत में। आप इंटरेस्ट देखें सड़कों पे, आम पब्लिक से नॉलेज जो है वो एक आम बंदे की बेनतहा है, और इसलिए कि वो उनके ये इसमें रसी बसी है उनके सिस्टम में ये गेम, और इसी वजह से ये ड्रॉप नहीं होने देते हैं इसके स्टैंडर्ड को, मेहनत करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें पैसा भी है, सारी दुनिया को हम रन कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, और ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिससे पूरा जो दुनिया है वो उस बॉन्ड उनका